तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और आज हम करने वाले हैं ओइजा बोर्ड चैलेंज। आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट थी ओइजा बोर्ड चैलेंज को लेकर, और आपको पता ही होगा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था जहां पर मैंने आप लोगों को बोला था, एक हिंट दी थी कि मैंने ओइजा बोर्ड बना लिया है और उसको हम लोग करने वाले हैं। सो इस वाले चैलेंज को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि मैं इसमें एम कर रहा हूँ 4000 लाइक्स का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको कंप्लीट करोगे ताकि मैं सेकंड पार्ट इसका बना पाऊं। अब मैं आपको बताता हूं कि ओइजा बोर्ड चैलेंज जो है वो एक्चुअली होता क्या है। सो यहां पर हमारे पास है एक हैंडमेड ओइजा बोर्ड, हम लोगों ने इसको घर पे बनाया और आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने इसको किस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने यस लिखा हुआ है, यहाँ पर नो और यहाँ पर ओइजा लिखा हुआ है। ए टू जेड आपके यहाँ पर लेटर्स हैं और यहाँ पर 1 to 0 तक आपके नंबर्स हैं और नीचे लिखा हुआ है आपका गुड बाय। सो इस तरह का आपका कुछ ओइजा बोर्ड होता है। और इसमें होता क्या है कि इसके हेल्प से आपको यहाँ पर एक कॉइन या फिर ग्लास की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को इस कॉइन को बीच में रखना होता है और फिर आपको इसको ग्रुप में खेलना होता है। आपको अपने पार्टनर का और आपके दोस्त का यहाँ पर एक एक का आपका फिंगर रखनी होती है, और जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो आपका स्पिरिट आपको एक हिंट देता है उस आंसर का। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी गेम है, और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों को ये वाला जो गेम है इसको आप लोगों को ज़्यादातर जो है वो ग्रुप में खेलना चाहिए, क्योंकि अगर अकेले खेलते तो अपने ने क्या पढ़ा था, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है अगर आप लोग अकेले खेलते हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क रहता है अकेले खेलने में। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग इसको ग्रुप में खेलो। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पे 4000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, क्योंकि इतना रिस्क लेके यार वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप कि आप 4000 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही दोगे। और 4000 लाइक्स का हम लोग एम करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो पे 4000 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग लाएंगे। तो यहां पर हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग यहां पर हमारे ओइजा बोर्ड चैलेंज को जो है उसको हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। यहां पर रितेश ने कैंडल जला ली है ताकि आप लोगों को सही से सब कुछ दिखाई दे, और यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारे ओइजा बोर्ड के आसपास जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर 4 कैंडल्स चलाई हुई है जो कि हम लोग को हेल्प करेगी। और बीच में आप लोग देख सकते हो हमने 10 रुपीस का कॉइन जो है वो हम लोगों ने रख दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ए टू जेड हम लोगों ने जो है वो हमारे अल्फाबेट्स लिख दिए हैं और 1 to 0 तक हमने नंबर्स लिख दिए हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हो यस और नो, और नीचे आपका जो है वो आपका गुड बाई आ गया है। सो यार ये चैलेंज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता क्या करना है रितेश, हम लोग को इसके ऊपर एक उंगली रखनी है, ठीक है, और इसको हल्का हल्का घुमाते रहना और हमको हमारे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूछने वाले हैं कि इज देयर एनी स्पिरिट अराउंड अस, क्या हमारे आसपास कोई भी स्पिरिट है। अगर हमारे आसपास कोई भी स्पिरिट है तो प्लीज आके हमसे कॉन्टेक्ट करो। इज देयर एनी स्पिरिट अराउंड अस। अभी ये कहाँ जा रहा है? नहीं भाई, अपने आप जा रहा है, अपने आप जा रहा है। मैं नहीं ला रहा सही में भाई, मैं भी नहीं ला रहा हूँ। ये जा कहाँ रहा है? डी के तरफ, डी के, ई, एफ। ये जा कहाँ रहा है भाई? कहाँ जा रहा है ये भाई? ये एच पे गया यार। एच का मतलब क्या हो सकता है? आई थिंक यस बोल रहा हूँ। हाँ गाइस, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जो है ये एच पर गया है, और एच का मतलब ये हो सकता है कि ये शायद हम लोग को यस बोल रहा हो, हाँ बोल रहा हो, हाँ कि हाँ मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। सो यार ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये हमारे लिए खतरनाक होते जा रहा है। अब पता है क्या करते हैं, अब हम लोग इसको पूछते हैं कि ये एक गुड स्पिरिट है या फिर ये कोई एक बैड स्पिरिट है, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको वापस से कॉइन को सेंटर में ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग पूछने वाले हैं कि आर यू अ गुड स्पिरिट और अ बैड स्पिरिट, क्या आप एक अच्छे स्पिरिट हो या फिर आप एक बैड स्पिरिट हो, क्या आप एक अच्छे स्पिरिट हो या फिर आप एक बैड स्पिरिट हो। बे कहाँ जा रहा है? अभी अभी भाई मूवमेंट किया, कर रहा है, कर रहा है। अबे जे आई एच, वापस तो एच पे नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं रुक, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। मेरे को लग रहा है एस पे जा रहा है। बे यार एस पे यानी भाई, भाई नीचे मुड़ रहा है यार। नहीं 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 आई थिंक सी पे, बी, ये बी पे आके रुक गया। बी का मतलब भाई ऑब्वियसली बैड। गाइस अगर मतलब हमको ये कहना चाहता हो कि ये एक बैड स्पिरिट है, बैड स्पिरिट है,
गाइस ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, हमारे साथ ही हो रहा है, और ये मतलब हमको ये एक मतलब हिंट दे रहा है कि ये एक बैड स्पिरिट है। अब यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है यार ये गेम। भाई अब चैलेंज किया है तो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। सो गाइस अब पता है मेरे पास एक आइडिया है, अब अपने इसको ऐसा पूछते हैं कि इसका नाम, इसका जो नाम है उसके नाम का फर्स्ट लेटर क्या है। ठीक है तो अपने को क्या है उसके नाम का हिंट मिल सकता है। ठीक है, वॉट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम स्पिरिट, वॉट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। अभी मूव नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। स्पिरिट आपके नाम का पहला शब्द क्या है। स्पिरिट वॉट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। नहीं कर रहा यार मूव। भाई 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये मेरे को लग रहा है पी पे जा रहा है। पी, पी से मेरे ख्याल से यार ज्यादातर क्या होगा भाई, पी से क्या हो सकता है। पी से बहुत सारे नाम है यार, कोई अपने सजेस्ट नहीं कर सकते ऐसे, मतलब हम लोग किसी एक नाम को यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर नहीं ले सकते कि यार इसका नाम यही हो सकता है। अपने क्या करते हैं, अपने ऐसा करते हैं कि अपने इसको ये भी पूछ लेते हैं कि इसके जो नाम है इसका जो सेकंड लेटर, सेकंड लेटर नहीं लास्ट लेटर, उससे कुछ लास्ट हमको कुछ एक मतलब एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि उसके लास्ट लेटर क्या रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पूछते हैं, एक बार तू पूछ के देखते हो रितेश, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम। व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम स्पिरिट। व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम स्पिरिट, आपके नाम का लास्ट लेटर क्या है। कुछ मूवमेंट नहीं है भाई, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है भाई। के पे नहीं, नहीं के नहीं जा रहा, के से आगे बढ़ेगा मेरे को लग रहा है। आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। एम, एम नहीं 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 नहीं, ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब यार ये नो पे चला गया यार, मतलब बताना ना चाहता हो तो, अगर ये ऐसा मना कर रहा हो कि भाई मेरे को नहीं बताना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मेरे को लग रहा है कि ये मना कर रहा है कि मैं तुमको मेरा नाम नहीं बताऊंगा। सो यार ये काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है, मतलब ये अपना नाम बताने को तैयार ही नहीं है। फर्स्ट लेटर बता दिया, लेकिन फर्स्ट लेटर इसने बताया हमको, फर्स्ट लेटर मेरे ख्याल से क्या था, पी था ना, पी था ऑब्वियसली, और लास्ट लेटर इसने हम लोगों को नहीं बताया। अभी यार मैं क्या बोलता हूँ कि अपने इसको पूछते हैं कि आर यू नोइंग टू अस, पूछ के देखते हैं, मतलब एक बार पूछते हैं कि क्या तुम कौशल को जानती हो, और फिर एक बार पूछते हैं कि क्या तुम रितेश को जानते हो। ठीक है, मैं मेरा पूछता हूँ तू तेरा पूछ, ठीक है, दोनों हाथ रख दे चल। मेरे को लग रहा है ये नीचे गिर जाता नहीं यार, पर वहां रुक बीच में रख दे, चल उंगली रख दे। ठीक है, पहले पूछते हैं कि तेरा, ठीक है, स्पिरिट क्या आप रितेश को जानते हो। स्पिरिट क्या तुम मुझे जानते हो। स्पिरिट क्या तुम मुझे जानते हो। स्पिरिट क्या आप रितेश को जानते हो। मूवमेंट हुई भाई, हो रही है, हो रही है। मेरे को पक्का लग रहा है कि यस की तरफ जा रहा है भाई, यस की तरफ। ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। यस, यस की तरफ भाई, यस की तरफ ही क्या। ओ माय गॉड यार भाई, जानती है ये यस की तरफ जा रहा है। बे यार गिरने लग रहा है, मेरे को लग रहा है गिर जाएगा क्या भाई। बे यार गिर गया यार, मतलब इसका तो ये हो सकता है ना कि यार ये यस पे बोल रहा हो। बट भाई यस पे बोल रहा था, नीचे गिर गई, पर यस ही है ना, कॉइन वही मूव करी ना। गाइस आप लोग देख सकते हो कॉइन जो है वो फिलहाल अभी यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है, और हम लोगों ने पूछा था कि क्या आप रितेश को जानते हो या फिर नहीं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉइन जो है वो लिटरली हमारे यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, मूव करके नीचे गई है वही, यस पे से मूव करके नीचे गई है, जानती है ना, वही यस पे से मूव करके गई है, वही वही वही। अब एक काम करते हैं, इसको पूछते हैं कि मेरे को जानती है कि नहीं। चल ठीक है, ठीक है। स्पिरिट क्या तुम कौशल को जानती हो। स्पिरिट क्या तुम कौशल को जानती हो, एक बार तू बोल। स्पिरिट डू यू नो कौशल, क्या तुम कौशल को जानते हो। स्पिरिट क्या आप मुझको जानते हो। भाई 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 कहाँ जा रहे है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आई थिंक नो, नो की तरफ नहीं यार, ये वाई पे जा रहा है यार। जेड,
वाई पे जा रहा है। वाई का मतलब वाई का मतलब यार क्या हो सकता है? वाई का मतलब मेरे ख्याल से यस भाई। हाँ गाइस यहाँ पर यार ये वाई का मतलब यस हो सकता है मतलब ना यार। हाँ हो ही सकता है ना यार, हो ही सकता है कि मतलब ये वाई की तरफ गया, इसका मतलब ये मेरे को जानता हो शायद। गाइस मतलब इसका अगर हम लोगों ने देखा तो ये रितेश में वाई पे गया था मतलब यस पे गया था, लेकिन यस पे जाने के बाद वो वहाँ पे नीचे गिर गया था, पर मेरे में ये लिटरली वाई पे आके रुक गया है। इसका मतलब इसका आंसर लिटरली जो है वो यस पे आके रुक रहा है, यानी कि वाई पे आके रुका है भाई, यानी ऐसी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के देखते हैं अब। सो गाइस जैसा कि आप लोग पूरा ओइचा बोर्ड हमारा देख सकते हो यार, अब टाइम लिमिट भी है ना यार, एक बहुत ज्यादा टाइम लिमिट हो जाएगी, समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, सो बहुत ज्यादा टाइम लिमिट भी हो सकती है। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, कितने सारे क्रीपी आंसर्स आए वीडियो में, क्यों भाई? बहुत सारे क्रीपी आंसर्स आए थे। अरे मेरे को तो खुद पता नहीं चल रहा था आंसर आ कैसे रहे। कॉइन यार अपने आप मूव कर रहा था, जो कि अनबिलीवेबल था। आप लोग अभी भी हमारा ओइचा बोर्ड देख सकते हो। सो गाइस हम लोग इस वीडियो पे चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो पे 4000 लाइक्स कंप्लीट करो। अगर आप लोग करते हो तो हम लोगों ने आपको वादा किया है कि हम लोग आपको इसका सेकेंड पार्ट ला के देंगे, तो लाइक करो अभी जाके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आओ कनेक्ट हो जाओ मेरे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे कोई भी चैलेंज आता है तो मैं आप लोगों को वहां पर पहले ही बता देता हूं कि भाई ये चैलेंज आने वाला है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल कौशल सिंह। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू कौशल सिंह।